बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। जब भी सजदा किया नाम तेरा लिया, भूल जाना तुझे हमको आया नहीं। दिल तो है पर जाने दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने। की कहे ये पानी बेजुबान, दर्द मेरा कह पाए। बारिश आ गई गजब का है, कोई दिल में सिवा तेरे सोचो जरा। दिल चाहते हो या जान चाहते हो, हमसे बताओ के क्या चाहते हो। इतना सोना गजब का है दिन, इतना सोना तुम हो अकेले हम भी अकेले। मुहावरा बन रहा है ताके दर से रे, जरा जरा नींद भी अजनबी सी हो गई, जरा जरा चैन से दुश्मनी सी हो गई। तुम मिले खो गया है खुद का ही पता, क्या कर क्या नहीं कुछ बस में ना रहा। समझूं कैसे कोई समझाए, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की दुनिया। और मनीषा की दुनिया में आप सबका खूब सारा स्वागत है गाइस। आज के व्लॉग में बहुत सारा स्वागत करती हूँ, यही बोल के एक मिनट खा तो हम क्या ही बोले, आप लोग पता ही हम वीडियो में हम ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, वैसे हमको कैमरा के सामने बोल ही नहीं पाते हैं। अच्छे से स्वागत करती है लेकिन कोई तुम्हारा घर नहीं आ रहा। बताओ, मेरे घर जरूर कोई ना कोई आएगा। गाइस एक बात बताऊं, मैं बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी आप बिहार आई आप मिले नहीं हो, लेकिन अगली बार से ना मैं जहाँ जाऊंगी पहले इंस्टाग्राम पे आप लोग जाके मुझे फॉलो कर लो, मेरा 1.5 लाख फैमिली हो गया है, तो मैं इसलिए आप सबको आज ज्यादा स्वागत कर रही थी। और थैंक यू सो मच, इस सारा का सारा श्रेय आप लोग को ही जाता है क्योंकि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया कि मैं रील्स वीडियो मतलब इतना सिर्फ आप लोग की वजह से और इनके वजह से, क्योंकि ये जब वीडियो में आते हैं। और मेन बात है कि हम लोग का कैमरा पकड़ने वाला कोई है नहीं, अगर कैमरा कोई पकड़ता तो आज हम लोग बहुत आगे होते हैं। तो आप लोग कोई सजेस्ट करो कि हमें कैसा मतलब रील्स पे कैसा वीडियो बनाना चाहिए, कपल जैसा बनाना चाहिए लेकिन कैमरा पकड़ने वाला कोई होना चाहिए कि नहीं, है ना। तो दोस्तों अभी मिस्टर राज गेम खेल रहे हैं लेकिन इनसे अपना दिल मांगेंगे हम, क्योंकि वीडियो शूट वगैरह करके ला दिल अपन ला। ये बहुत सॉफ्ट लगते हैं, हमको बहुत प्यारे, इसको रात को पकड़ के हम सोते होते हैं तो ये बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट लगता है। एंड अभी हम और मम्मी दोनों बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, और हाँ मम्मी के लिए एक साड़ी भी आया हुआ था जो मैं मतलब मंगवाई हुई थी, तो मिस्टर राज बोले कि ब्लू कलर मंगवाओ, तो ब्लू कलर आया हुआ है, बट आप लोग को मैं दिखाती हूँ तो मम्मी के लिए कैसा लगेगा। मम्मी को वैसे अच्छा लगा क्योंकि गिफ्ट होता है ना, छोटा सा भी तो अच्छा लगता है ना। तो चलिए आप लोग को पहले गिफ्ट दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये है वो साड़ी,
जो कि हम लोगों ने मंगवाया हुआ था, हम गए मशीन के पास, तो मशीन में इतने सारे कपड़े हैं, उसको भी धोना था, कलर वैसे ज्यादा, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे घर का बाल, ब्लू कलर बहुत सुंदर लगता है ना, एकदम छोटा सा है ना, बड़ा बड़ा फ्लावर, और मम्मी को भी अच्छा लगा ब्लू कलर, डिस्टर्ब हो रहा है सुना, रुक जा, ये देखिए गेम खेलते हैं। तो आप लोग ने देख लिया कि साड़ी कैसा है, वैसे तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा, जिन लोगों को अच्छा लगेगा प्लीज कमेंट करना, और मैं ये साड़ी जहाँ से मंगाई हूँ उसके बारे में मैं बता दूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये जो है ये सारे अमेजोन पे इनको अमेजोन पे ये सब चीजें थोड़ी मिलता है, सुना तुम बंद करो ना ब्लॉगिंग, ये बोल रहे हैं पीला पीला में हर ब्लॉग आ रहा है, मतलब हमारा बैकग्राउंड पीला है, हमारा साड़ी पीला है, तो अब हम क्या ही करें, और लाल है इनका कपड़ा लाल है, ये मेरा बोल रहे हैं। तो चलते हैं बाहर देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो मम्मी वो मलाई बना रही थी छाली का, उसका घी इतना ज्यादा बन गया है, बहुत ज्यादा हो गया है ना, उसके बाद पनीर भी निकला था। तो सही है घर पे अपने एकदम शुद्ध घी निकल जा रहा है, और बहुत ज्यादा है लेकिन, तो ऐसे ऐसे कर करके बहुत ज्यादा घी भी हम लोग रख लेते हैं, खरीदना नहीं पड़ता। हाँ, और खरीदने वाला में भी मिक्स रहता है ना, देखिए घी कितना ज्यादा है। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ बाहर, बाहर से कुछ कुछ कपड़ा है जो कि सूख गया है, मिस्टर राज का ड्रेस थोड़ा थोड़ा गीला। तो आप लोग का अभी मैं तो आधा कपड़ा लेके गई थी, और आप लोग एक चीज दिखाते हैं फ्लावर, ये आप लोग देख रहे थे कितना सुंदर सा फ्लावर है ना, ओ माय गॉड टूट गया, बहुत नाजुक है गाइस, बहुत जल्दी टूट गया। और यहाँ पे मिर्चा भी है जो कि मुझे बहुत पसंद है, मिर्ची मिर्ची मिर्ची, आप लोग में से कितने लोग हैं जो चावल दाल के साथ मिर्चा खाते हैं, मैं बहुत ज़्यादा मिर्चा खाती हूँ चावल दाल के साथ। मम्मी कुछ बोल रही है, तो यहाँ से खिड़की है हमारे हॉल का, मैं कितना मेहनत करना पड़ता है, अकेले ब्लॉगिंग भी नहीं होता है मेरे से, तो इनका चांद तब तक है जब तक हम है। हाँ वो तो है, वेस नहीं होगा, जितना भी शेर बन जाए लेकिन मेरे बिना बिल्ली रहेंगी, चुहिया चुहिया पहले ऐसे हंसती थी पहले हमको ना, जब यहाँ आते हैं ना तो हमको बहुत अपना टिकटॉक वीडियो याद आता है, आप लोग बोलते हो कितना ही बोलती है टिकटॉक का, लेकिन यहाँ पे मैं रेडी होती थी ना, मेरा ड्रेसिंग टेबल पहले यहाँ पे था। आप लोग को हम अपना अलमीरा दिखाते हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि दीदी आप अपना अलमीरा दिखाओ, चलिए आप लोग को अपना अलमीरा दिखाते, मेरा अलमीरा इतना कबाड़ी हुआ है क्या ही बताओ तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें साड़ी हमारा इतना सारा साड़ी है, फिर भी कम ही है, पहनने के लिए डेली सोचना पड़ता है कौन सा पहनूं कौन सा पहनूं। और यहाँ पे ये है, ये परफ्यूम है जो कि मैंने लिया हुआ था जब मैं गई थी, ओह माय गॉड यहाँ पे तो चूड़ी भी रखा हुआ है, मुझे पता ही नहीं था इसमें बहुत सारा चूड़ी है। तो ये जो है ना डब्बा, ये डब्बा मेरे इंगेजमेंट पे चढ़ा हुआ था, और ये डब्बा मैं शादी के बाद शादी के टाइम लेके आई थी, इसमें इतना सुंदर सुंदर चूड़ी लेके आई थी क्या बताऊँ मैं। तो अभी मैं जो साड़ी पहनने वाली हूँ दोस्तों, अभी मैं जो साड़ी पहनने वाली हूँ छठ पूजा में, वो साड़ी आप लोग को दिखा हूँ, तो अभी साड़ी आप लोग को वो भी दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है, चुंदरी टाइप में है साड़ी, है ना बांधनी टाइप का है, और बहुत प्यारा लगेगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो जो साड़ी था ये मम्मी लेके आई थी, ये 4000 का साड़ी है, लेकिन बात क्या है ये थोड़ा पार्टी वेयर अच्छे से थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन ये इसका कपड़ा बहुत सुंदर एकदम लाइटनिंग है इस कपड़े पे, भी लल्ला चल रही है, क्या बोल रहे हैं कह रहे हैं इस पे भी लल्ला चल रही है, बहुत सुंदर है ये रियली में, लेकिन ये वाला क्योंकि छठ पूजा के लिए ना, मेरे को ये वाला अच्छा लगा, भले ऐसे कुछ रहता ना जैसे स्टेज वगैरह पे जाने के लिए शादी पार्टी होता है उसके लिए ये वाला साड़ी सुंदर लगेगा,
और ये वाला साड़ी छठ पूजा के लिए अच्छा है, तो आप लोग बताओ कि मेरा पसंद कैसा है। वैसे ये छठ पूजा में ज़्यादा सुंदर लगेगा, पिंक वाला भी सुंदर है बट ये छठ पूजा के लिए हम लोग ने लिया है। और ये बहुत सुंदर है। तो दोस्तों आप लोग बताना कि मेरा साड़ी कैसा लग रहा है, मम्मी का साड़ी कैसा लग रहा है। वैसे मम्मी वाला साड़ी मैं तो दिखाएंगी, चलो उसको आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देखना जब मम्मी पहनेंगी, तो बहुत सुंदर लगेगा। रेड कलर का है और बहुत लाइट वेट है वो। तो इनको अभी गेम खेलने दिया जाए वरना ये डिस्टर्ब होंगे, इसलिए हमारे ब्लॉग में अभी ये बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आज हमारे घर पता है क्या बन रहा है, आज हमारे घर दाल वाला पूड़ी बन रहा है, खीर बन रहा है, दाल का पानी बन रहा है। अभी हम लोग खाएंगे तो मैं दिखाएंगे, चलिए आप लोग दिखाई देते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं किचन में आज क्या बना है हमारे घर। ये दाल का पानी है, दाल का पानी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मसाला इसमें डल चुका है, फ्राई भी हो चुका है, और इसमें साबूदाना का खीर है जो कि दिखने पर ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड अभी दाल भरा हुआ पूड़ी बन रहा है, यहाँ पे सब्जी भी बन गया आलू और गोभी का, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूड़ी बन रहा है, यहाँ आलू सोयाबीन का सब्जी जो था रात वाला उसको गर्म किया जा रहा है। और ये है किसके किसके घर ऐसा वाला पूड़ी बना है, दाल भर के, चने के दाल को भर के पूड़ी। तो आज बहुत मजा आने वाला है खाने है ना। तो अभी चलते हैं, उनसे बोल लेते हैं कि बन गया है वैसे, क्योंकि अगर उनको खाना होगा तो वो खा लेंगे। उनका खीर फेवरेट बन गया। सुना आपको खीर खाना है, बन गया है, बोलिए ना सुना। अब बुलवाते हैं ना, फिर हाथ में बोलते क्या यार डिस्टर्ब कर दी तुम मेरे को कितना हंसी आता है मतलब अपने ब्लॉग को अब एंड ही करते हैं, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और खूब सारा शेयर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार आने वाला है, क्योंकि कल छठ पूजा आ रहा है, तो कल नहा खा है, परसों खरना है और उसके बाद छठ घाट हम लोग जाएंगे, तो है ना, बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे छठ पूजा के लिए, क्योंकि घाट पे जाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। मैं भी जाती हूँ एक टाइम मॉर्निंग के टाइम, तो जितनी नई नई बहुएँ हैं वो शायद मॉर्निंग के टाइम ही, क्योंकि हमारे घर भी आंटी लोग हैं वो लोग भी मॉर्निंग के टाइम ही जाते थे पहले, लेकिन अब वो लोग दोनों टाइम जाते हैं। तो बस ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा मैं बोल देती हूँ चप चप चपा चपर तो अब बाय बाय करती हूँ सबको। और हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा आप लोग, राज मनीषा सचिन हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। तो मिलते हैं, बाय बाय।